हेलो एवरीवन, आई एम जावेद एंड वी आर वेलकमिंग माय यूट्यूब चैनल वाफे इंग्लिश गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आप सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, वर्ड मीनिंग्स को आसानी से याद कर सकते। इस टेक्निक का नाम है LBBA, लर्न बाय बॉडी एक्शन। दोस्तों, लर्न बाय बॉडी एक्शन से हम किसी भी फ्रेज को हम आसानी से सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। कुछ यूनिवर्सल एक्शन होते हैं दोस्तों, जैसे कि तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, वो इन एक्शन को समझ जाएगा। इसका मतलब है स्टॉप, रुक जाओ, इसका मतलब है बाय, इसका मतलब है हाय, और इसका मतलब है बेस्ट ऑफ लक। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप एक्शन से सेंटेंसेस को याद किया। दोस्तों, अब मैं आपको लर्न बाय बॉडी एक्शन को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, हमारा दिमाग इमेजेस को तुरंत सेव कर देता है और उससे जुड़े हुए शब्दों को भी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ रानचोड़ दा चांचड़ या फुनसुक वांगडू कहूँ, तो दोस्तों आपके दिमाग में जरूर थ्री इडियट मूवी आई होगी। कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इमेजेस को शब्दों से लिंक करता है। ऐसे अगर मैं चुलबुल पांडे बोलूँ तो आपके दिमाग में दबंग आया होगा, है ना? तो सेम इसी तरीके से आप सेंटेंसेस या फ्रेजेस को रटो मत, उनको किसी ना किसी इमेज से, किसी बॉडी एक्शन से या उनको चीजों से कनेक्ट कर दीजिए। और दोस्तों, मैजिक होगा, आपको शब्द याद होने लग जाएंगे। और दोस्तों, रटना शब्द भी हमें एक मैसेज देता है, क्योंकि रटना शब्द बना है रट प्लस ना से, इसका मतलब रटो मत। अब मैं आपको एक प्रोवर्ब याद कराता हूं दोस्तों। जैसे जब भी आपको अपना दोस्त दिखाई दे तो आपके दिमाग में ये प्रोवर्ब जरूर आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। इसका मतलब खुशहाली दोस्त बनाती है और बदहाली उन्हें आजमाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हंगर इज द बेस्ट सॉस, ये एक कहावत है, इसका मतलब होता है भूख में चने बादाम। तो हंगर इज द बेस्ट सॉस को अगर आपको याद करना है तो या तो आप बॉडी एक्शन से याद कीजिए या तो इस फ्रेज को, इस प्रोवर्ब को किसी चीज से जो कि आप डेली देखते हो उससे लिंक कर दीजिए। जैसे कि हंगर इज द बेस्ट सॉस, तो दोस्तों आज से जब भी आपको सॉस दिखाई दे तो आपके दिमाग में फ्रेज आनी चाहिए हंगर इज द बेस्ट सॉस, हंगर इज द बेस्ट सॉस। नंबर सेकंड, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो इस एक्शन को आप याद कर सकते हो, आप अपने भी जेस्चर्स याद कर सकते हो। माइट इज राइट, ये भी एक कहावत है, माइट इज राइट, जिसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वही उस चीज का मालिक बन जाता है। तो माइट इज राइट, माइट इज राइट। नेक्स्ट, डू गुड एंड फाइंड गुड, डू गुड एंड फाइंड गुड, इसका मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ। इसे ये भी कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। वन मोर, जब भी आपको अपना दोस्त दिखाई दे आपके दिमाग में ये कहावत आनी चाहिए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। ऐसे ही जब आप जिम जाओ तो आपके दिमाग में सेंटेंस आना चाहिए, नो पेन नो गेन, दुख बिना सुख नहीं। जब भी आपको कोई बोले जल्दी जल्दी करो तो यू हैव टू से हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो, जैसा बोगे वैसा काटो। इस सेक्शन को आप याद कर सकते हो, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब भी आपको सच शब्द सुनाई दे तो आपके दिमाग में तीन कहावतें आ जानी चाहिए। फर्स्ट, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। सेकेंड, ट्रुथ इज एवरग्रीन, सच हमेशा सच रहता है। एंड ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच हमेशा जीतता है।
नेक्स्ट प्रोवर्ब गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अपना अपना पराया पराया, ब्लड इज थिकर देन वाटर। डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जब भी आपको एप्पल दिखाई दे तो आपके दिमाग में ये फ्रेज आनी चाहिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इट मींस अगर आप डेली एक एप्पल खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसके स्कैरी इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो कहावतें होती हैं उनकी हिंदी कुछ और होती है और उनकी इंग्लिश कुछ और होती है, लेकिन मतलब सेम होता है। तो जब भी आपको बादल दिखाई दे, क्लाउड्स दिखाई दे, तो आपके दिमाग में सेंटेंसेस आने चाहिए, ये सेंटेंस आना चाहिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, समय सब घावों को भर देता है। तो जब भी आपको अपनी वॉच दिखाई दे, सो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। नेक्स्ट, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, इसका मतलब घर का सुख घर में ही आता है। दोस्तों अब प्रैक्टिस टाइम है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर कीजिएगा। ओके दोस्तों, ओके, जब भी आपको वॉच दिखाई दे आपके दिमाग में क्या फ्रेज आएगी, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, वेरी गुड। नंबर सेकंड, जब भी आपको सॉस दिखाई दे, हंगर इज द बेस्ट सॉस, वेरी गुड। नेक्स्ट दिस वन, ब्लड इज थिकर देन वाटर, जब भी आपको अपने दोस्त दिखाई दे, A friend in need is a friend indeed. और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो दोस्तों, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम अपने शब्दों और अपने सेंटेंसेस से ही अपनी इंग्लिश को संवार सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। If you like this video, please share it and subscribe our YouTube channel, Wafoe English.